स्टार्टिंग विद टुडेस वेबिनार, टुडे आज का जो वेबिनार है वो मोस्टली हम लोग कॉटन सीड ऑयल केक के ऊपर एक व्यू लेके चल रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि कॉटन सीड ऑयल केक में काफी भारी गिरावट आती हुई दिखाई दी थी हमने, करीबन 2200 रुपए से 1500 रुपए तक का भी लेवल आती हुई देखा, क्योंकि क्रॉप साइज हमारी काफी बड़ी थी। बट उसके बाद हमने देखा कि 1500 का लेवल छूने के बाद अचानक ही प्राइजेस में काफी बड़ी रैली आई, जो हमने 2130 का लेवल फिर से बनते हुए देखा, और दो दिन पहले हमने 1900 रुपए तक का भी लेवल बनते हुए देखा, और अब प्राइजेस फिर से 2000 पे आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम आज के इस प्रेजेंटेशन में कुछ फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के द्वारा देखेंगे कि आगे का अप्रैल महीने से मई महीने का आउटलुक क्या रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है जो कॉटन सीड को इम्पैक्ट कर सकता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इंडिया का बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस हमने देखा करीबन 1.3 बिलियन पीपल आज की डेट में लॉकडाउन में है, जिसके चलते पूरे इंडस्ट्री को भी फर्क पड़ा है, इकोनॉमी को भी फर्क पड़ा है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी जीत रही है वो है स्प्रेडिंग ऑफ कोरोना वायरस। जिस ढंग से हमने ये महामारी को ग्लोबल मार्केट में बढ़ते हुए देखा है, उसके हिसाब से अगर हम परसेंटेज बात करें तो इंडिया में काफी सेफ हैंड में हम लोग इस वक्त है। कोरोना वायरस एज ऑफ नाउ जो चैलेंजेस दे रहा है इकोनॉमी पे भी दे रहा है, डेयरी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुई है, कॉटन सीड इंडस्ट्री ऑलरेडी हमने देखा कि सप्लाई कंसर्न के चलते प्राइजेस में एक काफी बड़ा उछाल भी आया, काफी एग्रीज और भी है जिनमें हमने इसका इंपैक्ट बढ़ते हुए देखा है। तो टाइमिंग हमें लगता है कि मे बी पॉसिबल कि जिस ढंग से हम डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग रखने में कामयाब रहे हैं पिछले काफी टाइम से, और मे बी पॉसिबल कुछ अटकलें लगाई जा रही है कि जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है, इंडिया को बचाने के चलते हम थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमें लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा पड़ना चाहिए। सबसे पहले अगर होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट्स की बात करें तो कंप्लीट शटडाउन रहा है, इसकी वजह से हमने मिल्क कंजम्पशन में काफी बड़ा फॉल आते हुए देखा है, जो कहीं ना कहीं कॉटन सीड ऑयल केक की डिमांड को इम्पैक्ट कर रहा है। ओवरऑल हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भी अगर ये इम्पैक्ट आई थिंक ये विजिबल रहेगा आपके लिए, स्लाइड जितने भी ये पीडीएफ है और रिपोर्ट है ये आपको एंड ऑफ द डे आपके आरएम के थ्रू मिल जाएगी, हम आपको शेयर कर देंगे। तो और जितने भी होटल इंडस्ट्री है बाकी इंडस्ट्रीज है वो शटडाउन में, जिसकी वजह से डिमांड में हमने काफी बड़ा फॉल आते हुए देखा है। नो डाउट सप्लाई कंसर्न भी है मार्केट में, बट डिमांड कंसर्न भी है, जिसके चलते प्राइजेस 2000 के करीब इस वक्त ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ अपडेट ये भी आ रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ लीटर दूध फार्मर्स है वो बाहर बाजार में बेच नहीं पा रहे, जिसकी वजह से काफी कंसर्न दिखा रहा है। ओवरऑल अगर हम सप्लाई साइड की बात करें तो CIA का जो लेटेस्ट एस्टिमेट आया जिसमें बताया जा रहा है करीबन 354 लाख बेल्स के आसपास की क्रॉप इस बार रह सकती है, तो सप्लाई हमारे पास काफी अच्छी है, जिसके चलते प्राइसेस में एक दबाव रह सकता है, बट डिमांड कंसर्न है वो भी है सामने, लेकिन सप्लाई कंसर्न के चलते इस वक्त प्राइसेस में तेजी है। कॉटन के जो अराइवल्स की अगर बात करें तो करीबन हमने 283 लाख बेल के आसपास का जो एस्टिमेट रखा था वो ऑलमोस्ट अचीव होते हुए देखा, लॉकडाउन के चलते कंजम्पशन में काफी भारी गिरावट आई है, बट ओवरऑल हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में प्राइजेस में कॉटन सीड ऑयल केक में हम एक जंप देख सकते हैं। तो आइए आज इसका आउटलुक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर कॉटन सीड ऑयल केक के प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो 2019 में हमने 11.5% की तेजी आती हुई देखी, हमने देखा प्राइजेस 1900 रुपए से रैली स्टार्ट की थी 2019 में, और जो अप साइड में हमने ऑलमोस्ट एवरेज आउट करते हुए चले तो 3380 से 3400 तक के भी लेवल बनते हुए देखे मंथली बेस पे। उसके बाद हमने देखा प्राइजेस एक अच्छा ड्रॉप दिखाता हुआ दिखाई दिया, जो 2020 में करीबन 1500 का ऑलमोस्ट लेवल छूता हुआ दिखाई दिया। ओके तो तो ओवरऑल हमने देखा कि हमारा जो प्राइस मूवमेंट है 11.5% के आसपास का 2019 में उछाल आया था, इसके बाद 1500 का लेवल छूने के बाद
अब मार्केट फिर से एक जंप करने की कोशिश करने में लगा हुआ है, 2000 के करीब इस वक्त प्राइस ट्रेड कर रहा है। हाजिर में भी हमने देखा कि इनिशियल तो मार्केट दबाव में था, बट अब हाजिर भी थोड़ा प्रीमियम पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है कि हमने करीबन 2020 में एंटर करने के बाद प्राइजेस में करीबन 5.5% से ज्यादा का फॉल देख चुके थे। जिस ढंग से हमने देखा जो मैक्रो कंडीशन बने हुए थे कोरोना वायरस को लेकर, इसकी भी अटकलें थी जिसकी वजह से डिमांड हमने काफी ड्रॉप होते हुए देखा था, साथ में सप्लाई काफी एडवेट थी जिसकी वजह से हमने प्राइजेस को ऑलमोस्ट 1500 का लेवल छूते हुए देखा था। बट पिछले एक महीने की अगर बात करें तो हमने प्राइजेस में मोटा मोटी 40% का एक उछाल हमने कॉटन सीड ऑयल के प्राइजेस में आते हुए देखा। जिस ढंग से हमने देखा कि डिस्टर्बेंस बना हुआ है सप्लाई चेन में, इसके चलते प्राइजेस में ये उछाल आया था। अभी भी काफी फैक्ट्रीज बंद है, नो डाउट गवर्नमेंट से सपोर्ट काफी है, गवर्नमेंट ने कहा भी है कि ये एसेंशियल इंडस्ट्री में आता है तो इंडस्ट्री चालू रहनी चाहिए, बट लेबर प्रॉब्लम अभी भी सीवियरली हिट कर रहा है जिसके चलते काफी जगह पे फैक्ट्रीज बंद है। हमने महाराष्ट्र के कुछ एरियाज में अभी देखिए जो नए केसेस बने हैं कोरोना वायरस के, इसके चलते हमने पूरे ट्रेड सेटअप को एक ठंडे बस्ते में जाते हुए देखा, जिसके चलते हमें लगता है सप्लाई कंसर्न रहेगी जो अगले 15-20 दिन तक मार्केट में तेजी का रुख रखेगा। नो डाउट गवर्नमेंट इज डूइंग एवरी पॉसिबल चेक के जो ये कोरोना वायरस है फैले नहीं, और साथ में असेंशियल कमोडिटी के भाव भी नहीं बढ़े। तो ध्यान रखिए जब जब प्राइजेस में एक बड़ा उछाल आएगा तुरंत रूप से एक गवर्नमेंट चेक होता रहेगा, जिसके चलते प्राइजेस में दबाव बन सकता है। सप्लाई एज ऑफ नाउ बैडली हिट है, फार्मर्स है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिल्कुल भी अराइवल्स नहीं आ पा रही है, कपास नहीं आ पा रहा है, गेनर्स बंद है, तो उसके चलते सप्लाई कंसर्न बना हुआ है। लेकिन साथ में डिमांड में जैसे मैंने कहा था कि डेयरी इंडस्ट्री में डिमांड 50% रह गई है, जो भी इंडस्ट्रियल डिमांड या मिठाई की दुकान की डिमांड, होटल्स की डिमांड, ये सारी डिमांड इस वक्त बंद है, जिसके चलते डिमांड में भी ड्रॉप आता हुआ दिखाई दे रहा है। एज ऑफ नाउ इंटरनेशनल मार्केट का भी अगर हम बात करें तो कॉटन के प्राइजेस में हमने 53 सेंट का भाव इस वक्त ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, जो ओवरऑल सप्लाई कंसर्न्स इंटरनेशनल में भी बने हुए हैं। चाइना इस वक्त सबसे बड़ा बायर बन के निकला था, हमने पिछले साल देखा था, बट एज ऑफ नाउ यूएस और चाइना के बीच में फिर से जो टेंशन बढ़ा है कोरोना वायरस को लेकर, ये कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर का जो सिचुएशन हमने पिछले साल देखा था उसका असर ये साल भी बन सकता है। तो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉटन का सेंटिमेंट थोड़ा खराब रहने की उम्मीद है। बाकी डिटेल आप रिपोर्ट से ले सकते हैं, हम ये रिपोर्ट आपको शेयर कर देंगे। वर्ल्ड सिनेरियो की अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट में 19-20 की जो कॉटन एरिया या प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी की बात करें वो करीबन 4 से 2.5% ग्रेटर है पिछले साल के मुकाबले, जिसके चलते सप्लाई हमारे पास एडिक्वेटेड, डिमांड इस वक्त मीट आउट नहीं कर रही, इसके चलते प्राइजेस में आने वाले टाइम में एक दबाव रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है डिमांड, डिमांड जब तक नहीं निकलती, नो डाउट सभी इकोनॉमी में बड़े स्टिमुलेशन देने की घोषणा की गई है जो कहीं ना कहीं डिमांड उभारने की कोशिश जरूर करेगा, बट आई थिंक जून जुलाई तक सिचुएशन थोड़ी सी टाइट रहेगी। अब तेजी के मुख्य कारण रह सकते हैं कि इस बार की जो सोइंग होनी है, इस सोइंग में भी हमें लगता है कि कुछ कंसर्न्स रहेंगे जो प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल इंडियन मार्केट की भी बात करें तो ओवरऑल क्रॉप साइज हमारी इस बार कॉटन में अच्छी थी, जिसके चलते प्राइजेस में ऑलरेडी हमने दबाव बनते देख चुके हैं। अगर हम एरिया अंडर कॉटन की बात करें 19-20 में, तो पिछले साल के मुकाबले करीबन 5.46% ज्यादा है, जिसके चलते प्राइजेस में दबाव आया था। बैलेंस शीट है ये आप रिपोर्ट के अंदर देख सकते हैं। कॉटन आउटपुट जो रहा है वो अभी भी एस्टिमेट ये दिखाया जा रहा है कि करीबन 350 के मोटा मोटी ऊपर ही है प्रोडक्शन इस बार, जिसके चलते दबाव देखा गया था। अब आ जाते हैं हम टेक्निकल्स पे। अगर टेक्निकल्स की बात करें तो कॉटन सीड ऑयल के 2019 में हमने देखा था कि प्राइजेस में एक काफी बड़ी तेजी आई थी, और प्राइजेस में हमने एक अच्छी रैली के बाद एक दबाव बनते हुए देखा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइजेस में जिस ढंग से अक्टूबर नवंबर से जो गिरावट आई, ये अब जाके 1500 तक का लेवल छूते हुए दिखाई दिया था हमने फरवरी एंड में। अब 1500 के ऊपर मार्केट में फिर से तेजी का रुख मिला है। यहाँ पे हमारी एस्टिमेट थी कि 2150 से प्राइजेस में गिरावट आनी चाहिए, तो हमने करीबन 1900 तक की एक गिरावट आती हुई देखी है। अब प्राइजेस ये रैली में चल रहा है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि प्राइजेस फिर से 2050-60 तक जाएगा, थोड़ा बहुत गिरावट दिखा सकता है, बट इसके बाद जो तेजी आएगी वो करीबन 2250 से 2300 तक का लेवल दिखा सकता है। 2300 का लेवल दिखाने के बाद
हमें लगता है कि जिस ढंग से लॉकडाउन वाली सिचुएशन कूल डाउन होगी, डिस्काउंट हो जाएगी, प्राइजेस में एक भारी गिरावट देखने मिल जाएगी जो करीबन 1750 से लेकर 1700 तक का लेवल दिखा सकता है। ये हम उम्मीद कर रहे हैं जैसे ही लॉकडाउन का सिचुएशन ओपन हो जाता है प्राइजेस में भारी गिरावट रहेगी जो 1700 से 1750 का लेवल एक बार दिखा देगा। बट 1700-1750 का जो लेवल है वो मीडियम टर्म के लिए बाइंग के लिए काफी अच्छा लेवल है जो हम समझते हैं अगस्त तक। अगस्त तक आपको 2800 से 2900 तक के लेवल हमें वापस कॉटन सीड ऑयल केक में देखने मिल जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम अप्रैल महीने की बात करें तो अप्रैल महीने में हमें लगता है कि प्राइजेस में तेजी का रुख रहेगा जो 2250 से लेके 2300 तक का लेवल दिखा सकता है। और फिर मई मिड तक प्राइजेस में अगर लॉकडाउन ओपन हो जाता है, एवरीथिंग इज इन लाइन, तो हम एक बड़ी गिरावट देख पाएंगे, 2300 से करीबन 1700 तक का लेवल आ सकता है। मई मिड में 1700-1750 के भाव में आपको बाइंग या स्टॉक करके चलना है, जो अगस्त तक हम समझते हैं 2800 तक का लेवल कॉटन सीड ऑयल केक में देखने मिल जाएगा। इस बार की जो सोइंग है इसमें भी थोड़ा सा ड्रॉप आ सकता है, कंसर्न्स भी है जो प्राइजेस को आगे जाके अच्छा सपोर्ट करेगा। बट ध्यान रखिए हमें इंडस्ट्री की डिमांड पे और ध्यान रख के काम करना है बिकॉज ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में गिरावट है, डेयरी इंडस्ट्री इस वक्त पूरी तरह से ठप है जिसके चलते डिमांड में एज ऑफ नाउ डिमांड फॉल रहेगा। तो हमें लगता है कि अप्रैल एंड तक की बात करें तो 2150 का पहला लेवल, 2150 के ऊपर 2300 तक का लेवल एक बार दिखा सकता है मार्केट, वहां से हम एक भारी गिरावट देख सकते हैं जो 1700 तक का लेवल कॉटन सीड ऑयल केक में दिखा सकता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो सभी इंडिकेटर चाहे RSI है, चाहे MACD हो, चाहे ADX है, सभी इंडिकेटर बाय जोन में ही है जो कहीं ना कहीं संकेत देता है हर गिरावट पे हमें लेके चलना चाहिए। आज का भाव 2000 है, मोस्ट प्रोबेबली 2000 के ऊपर ही मार्केट क्लोज करेगा जो अगले दो सेशन में तेजी दिखाने के बाद थर्सडे के सेशन में मतलब परसों के सेशन में एक प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है, जबकि आज और कल दो दिन मार्केट तेजी में रहेगा। सीजनैलिटी काफी इंपॉर्टेंट रहती है। हम जानते हैं कि इंडिया में कोई भी कमोडिटी हो वो एक सीजन के हिसाब से ही मार्केट मूव करता है। तो अगर हम जनवरी में देखें तो 2012 से लेकर 2019 तक हमेशा हमने एवरेज देखा है कि प्राइजेस में एक एवरेज गेन रहता है, बट इस बार सप्लाई ज्यादा होने के चलते करीबन 16% की भारी गिरावट हमने कॉटन सीड ऑयल केक में जनवरी मंथ में आती हुई देखी। एवरेजली बताता है कि फरवरी में हमेशा कॉटन सीड ऑयल केक में गिरावट ही रहता है। हमने फरवरी 2018 में करीबन 10% की गिरावट, 2019 फरवरी में 5.5% की गिरावट और 2020 में उसी के तहत हमने करीबन 10% की गिरावट आती हुई देखी। हिस्टोरिकल डेटा ये भी बताता है कि मार्च महीने में हमेशा कॉटन सीड ऑयल केक के भाव हमेशा तेज रहते हैं। 2018 में हमने गिरावट जरूर देखी है और 2019 में करीबन 17.5% की तेजी देखी थी, उसी के लिहाजा हमने मार्च महीने में 2020 के अंदर 26% की अच्छी रैली आती हुई देखी है। अप्रैल में गिरावट लग रहा था तो हमने 2120 से ऑलमोस्ट एक बार 1900 का लेवल देखा है, तो बड़ी गिरावट नहीं देख रही क्योंकि फंडामेंटल थोड़ी चेंज है, तो हो सकता है अप्रैल में मार्केट धीरे धीरे 2300 तक जा सके, उसके बाद गिरावट रहेगा। लेकिन मई जून जुलाई अगस्त अगर आप यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो हमेशा पिछले 5-6 सालों में मई जून जुलाई अगस्त में तेजी का ही रुक रहा है। तो ध्यान रखिए अप्रैल महीने में जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है प्राइजेस में एक भारी गिरावट देखने मिल जाएगा जो 1700 से 1750 का लेवल देखने के बाद एक अच्छी तेजी का रुख बनेगा कॉटन सीड ऑयल केक में, जो अपसाइड में हमें लगता है 2800 तक का लेवल दिखा देगा। पिछले साल 2019 में भी हमने देखा मार्च में करीबन भाव 2280 के भाव थे और आप देख सकते हैं अगस्त महीने में हमने 3250 का भी लेवल छूते हुए देखा था कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर। तो ओवरऑल हमें लगता है कि सिचुएशन आगे जाके बहुत बढ़िया है कॉटन सीड ऑयल केक की। शॉर्ट टर्म में डिमांड नहीं होने की वजह से प्राइजेस में एक दबाव रह सकता है, लेकिन 1700-1750 का लेवल हमें अच्छे से बाइंग करके ही काउंटर पे चलना चाहिए। वैसे अगर कॉटन की बात करें तो कॉटन में इस बार क्रॉप साइज अच्छे होने के चलते जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने में हमने गिरावट देखा, जबकि एवरेज बताता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च में हमेशा तेजी रहता है,
बट पिछले साल की क्रॉप सिचुएशन और ये साल की क्रॉप सिचुएशन थोड़ी अलग थी। अप्रैल और मई की बात करें तो अभी भी हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि प्राइसेस में तेजी रहेगा, बट जिस ढंग से कोरोना वायरस के चलते हमने ओवरऑल डिमांड में जो ड्रॉप देखा है वो कहीं ना कहीं इस बार कंसर्निंग रहेगा। बड़ी गिरावट नहीं देख रहे हम लोग, बट फिर भी प्राइजेस 16,000 का लेवल तोड़कर 15,600 15,700 का लेवल दिखा सकता है, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। अपसाइड में भी 17,500 तक का एक लेवल है, वहां तक दिखा सकता है, बट अपसाइड भी सस्टेन नहीं करेगा। ओवरऑल अगर 16,000 के नीचे कॉटन मिलता है तो जमा करके चलना चाहिए। धन्यवाद। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई भी क्वायरी कॉटन सीड ऑयल के रिलेटेड है तो रिक्वेस्ट है आप अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद। डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा था, तो जिसको भी अगर सवाल पूछना है आप अनम्यूट कर सकते हैं या अपना हाथ रेज करके पूछ सकते हैं। सबसे पहला सवाल रेडमी जिनका मोबाइल दिखा रहा है, आप सवाल पूछ सकते हैं। सर आपका कोई सवाल? सर फिजिकल डिमांड कैसी रहेगी? देखिए सर, फिजिकल डिमांड जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, डेयरी इंडस्ट्री की डिमांड बिल्कुल ठप बैठी हुई है। रिटेल डिमांड थोड़ी बहुत अच्छी है, बट होटल लाइन जो है पूरा ठप है। जिस ढंग से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 अप्रैल तक अगर सिचुएशन ऐसा ही रहता है तो फिजिकल डिमांड डेयरी इंडस्ट्री से काफी कम है, इसका असर प्राइजेस पे दिखेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ सप्लाई कंसर्न बिल्कुल बनी हुई है, जिसके चलते हम लोग खाली 2300 का लेवल देख रहे हैं, अदरवाइज डिमांड काफी कम है। हमें लगता है कि 2300 का लेवल दिखाने के बाद प्राइजेस वापस 1700 का लेवल दिखा देगा, क्योंकि गोडाउन में माल पड़ा है बट लेबर नहीं होने की वजह से ना ही ये डिलीवर हो पा रहा है ना ही आगे फॉरवर्ड हो पा रहा है। तो शॉर्ट टर्म में तेजी है जो 2300 का लेवल दिखा देगा, बट 1700 के नीचे प्राइस वापस जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, डिस्पाइट के डिमांड ज्यादा खराब है व्हाटएवर। अपसाइड में हम देखते हैं कि अगस्त में आपको फिर से 2800 तक का लेवल दिखा देगा। और जो डिमांड कंसर्न है, हमें लगता है अप्रैल और मई दो महीना कंटिन्यू रहना चाहिए। थैंक यू सर। अजय जी। हाँ सर बोलिए ना। सर जस्ट टू क्लेरिफाई, आई एम जतिन साइन स्पीकिंग फ्रॉम अकोला, कन्हैयालाल जगजीवनदास मेरा फर्म है सर। ओके सर। जी सर, जैसे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस किसी के पास अगर डीओ ऑलमोस्ट रेडी है तो एनसीडीएस के वेयरहाउस वाले उनको डिस्पैच दे रहे हैं टिल सम एक्सटेंट। तो आई थिंक सप्लाई कंस्ट्रेंट की जो बात है जो आप लेके चल रहे हैं माइंड में, इस चीज पे शायद हमें वापस रीथिंक करना चाहिए। बिकॉज एज ऑफ नाउ आई हैव सीन दैट कपल ऑफ सेंटर्स वी आर सीइंग द डिलीवरी ऑफ कॉटन सीड ऑयल केग इज बीइंग गिवन बाय द डब्ल्यूएसपीस। ओके, तो हाँ सर बराबर है आपकी बात, लेकिन अभी भी जो डिलीवरीज का मैकेनिज्म सब बना रखा है लेकिन स्पॉट काफी बंद है, रेट्स नहीं हो पा रहे, और साथ में अभी भी जो लॉकडाउन के चलते जो लेबर इशू आ रहा है ना वो कहीं पे भी मतलब स्मूथनेस नहीं है सप्लाई के अंदर, तो उसकी वजह से मैं डिले देख रहा हूँ। मैंने अभी जो चार्ट में आपको दिखाया था वो शॉर्ट टर्म में 2300 का लेवल जरूर दिखा रहा है बिकॉज ऑफ दिस कंसर्न, बट जैसे ही ये लॉकडाउन वाला सिचुएशन थोड़ा कूल डाउन होगा सप्लाई, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि आप एसेंशियल कमोडिटीज में आते हो आपको कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आज जैसे मैंने काफी जनों से अकोला ये रेंज में जब बात किया, उन्होंने बोला जो पिछले 2-3 दिनों में नए केसेस आए हैं ना, जिसके चलते मार्केट में थोड़ा सा डर सा माहौल बन चुका है, तो सप्लाई सही हो रही है। तो मैं बड़ी तेजी बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 2150 का पहला पड़ाव, उसके ऊपर हो सकता है थोड़ा सा ट्रेडर लॉबी भी क्या कर रही है, मार्केट में डिमांड बहुत है बट सप्लाई नहीं है सर, गाड़ी नहीं है, लेबर नहीं है, तो ये जो मार्केट में माहौल बना हुआ है ये 2300 तक का लेवल दिखाएगा, बट जैसे ही चीजें गवर्नमेंट की नजर में जाएगा तो गवर्नमेंट ऑलरेडी अभी काफी स्टेप्स ले रही है कि एसेंशियल कमोडिटी के भाव नहीं बढ़े, तो मुझे लगता है एक बार चार्ट पे 2300 का लेवल दिखा रहा है तो 2250 2300 का एक लेवल पकड़ के चलिए, वहां से प्राइजेस में वापस बड़ा गिरावट आएगा जो 1850 से 1700 तक का लेवल दिखा देगा, और वहां पे मुझे लगता है एकदम फैल प्राइस रहेगा। तो जो आपने बताया बिल्कुल सही चीज है, बट वो ऑन पेपर दिखा रहा है एवरीथिंग ओके है, बट आज भी एनसीडेक्स की भी अगर हम बात करें, मोस्टली सब लोग वर्क फ्रॉम होम है और गवर्नमेंट का जो लॉ बना रखा है कि अगर आप कोई भी डिलीवरी मैकेनिज्म करेंगे उसमें वेयरहाउस वाला भी है, बायर भी है, एक्सचेंज वाला भी है,
तो एक साथ जब पांच आदमी खड़े नहीं हो सकते तो ये मैकेनिज्म, ये जो प्रोसेस है वो पूरा कैसे होएगा? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नहीं देखिए इश्यूज तो बिल्कुल है इसके अंदर, हाँ तो शॉर्ट टर्म इश्यूज तो बिल्कुल है इसके अंदर, नो बट 2300 के ऊपर मैं नहीं देख रहा हूँ। हाँ अगस्त तक की बात करो 2800 का भी लेवल क्रॉस करेगा, बट उससे पहले 1700 का लेवल एक बार आना चाहिए। बराबर है सर, इसमें जो अपने अभी पेंडिंग अराइवल्स जो है, जैसे सीसीआई और फेडरेशन एब्रप्टली बंद हो गया है, सो आई थिंक टेंटेटिवली अभी भी 80-85 लाख बेल्स का अराइवल एक्सपेक्टेड है एज पर द क्रॉप साइज व्हाट वी आर जनरलाइज जो फिगर देख रहे हैं। तो सर उसका इम्पैक्ट क्या सोचते हैं आफ्टर पोस्ट लॉकडाउन, क्या वापस वो सीसीआई फेडरेशन उतना ही फ्रीली बाय करेंगे? नहीं देखो अभी भी मेरे ख्याल से तो बाइंग में अभी भी आएंगे वो लोग भी, क्योंकि देखो गवर्नमेंट से भी जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं सभी के लिए, आज ही हमने देखा पंजाब साइड में भी जो प्रोक्योरमेंट के लिए उन्होंने चीजें काफी कूल डाउन की है, तो वो भी आएगा। बट एज ऑफ नाउ अभी बोलना ये सब चीज के लिए काफी अर्ली रहेगा, क्योंकि एज ऑफ नाउ लॉकडाउन सिचुएशन है तो किसी को भी क्लैरिटी नहीं पता है कि अगर गवर्नमेंट अगर अनाउंसमेंट करती भी है तो चीजें कैसे टैकल होगी, कैसे मैनेज होगी, तो काफी अर्ली होगा ये बोलना। मेरे हिसाब से वी शुड वेट फॉर अनदर 10-15 डेज, कुछ और क्लैरिटी रहेगा तो डेफिनेटली ऐसा कुछ वेबिनार में वापस लेकर आ जाएगा। जी थैंक यू, थैंक यू अजय जी, इट वाज अ वेरी गुड इनसाइट फ्रॉम योर एंड सर, इट विल बी वेरी यूजफुल। थैंक यू सो मच सर, अगर कोई भी सजेशन है तो डेफिनेटली आप मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं सर। श्योर श्योर सर, ओके सर, एनी अदर क्वेरी किसी को? हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ सर मैं दिनेश गांधी बोल रहा हूँ। हाँ दिनेश जी, अभी अभी जो अप्रैल का वायदा चालू है 2000 रुपया, बराबर है, तो अभी बाय किया तो चलेगा क्या, उसको क्या टॉपलस लगाना है? देखो पहला चीज थोड़ा ट्रेडिंग अवॉइड करके चलिए, बट अभी भी अगर आप देखोगे तो मई और जून के वायदे प्रीमियम पे दिखा रहे हैं, तो कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि बड़ा फर्क है, तो टाइमिंग मुझे लगता है 1870 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता है, हमने ऑलरेडी एक कॉन कॉल हम लोग डेली बेस पे लेते हैं कॉटन सीड के ऊपर, एक रिपोर्ट भी डेली बेस पे निकालते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी टीम को, वो आपको कांटेक्ट करके वो चालू करवा देंगे। हमारा पर्पस यही है कि प्रॉपर मार्केट का इनसाइट रहे, तो टाइमिंग मुझे लगता है कि 1920-30 से हम लोग ने एक बाइंग इनिशिएट करके चल रहे हैं, जो इमीडिएट में हमें लगता है 2150 तक का लेवल मोस्ट प्रॉबली आपको शुक्रवार तक मिल जाएगा, और अभी 1870 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता है, ध्यान तेजी का ही है, बट आप देखिए एनसीडेक्स पे वॉल्यूम काफी श्रिंक हो गए हैं, तो जो भी पोजीशन बनाए वो स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस के साथ और थोड़ा कम पोजीशन देख के ही बनाइए। अप्रैल वायदा जो है इसकी एक्सपायरी 10 दिन एक्सटेंड हो गई है, तो ये भी प्लीज नोट करके आप ट्रेड कीजिए। ओके ओके ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेरीज, कोई क्वेरी? हेलो, हाँ जी, हेलो सर जी, हाँ बोलिए सर जी, अभी आप बोल रहे हो अगस्त में तेजी आएंगी ऐसा ना? हाँ जी, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सुमित है सर जी। हाँ जी, आप बोल रहे हैं अगस्त में तेजी जी, तो आप इसको एनसीडीएक्स में दबा। ओके सर, हमारा एक्सपेक्टेशन अगस्त में तेजी का है, क्योंकि धीरे धीरे जो भी सप्लाई है वो ड्राई अप होती जाएगी, और इस बार की जो सोइंग होगी कॉटन में इसमें भी थोड़ा सा इशू आ सकता है लॉकडाउन के चलते। बोलना इजी है कि फार्मर्स कोई भी रोक टोक नहीं है, फार्मर्स आके सोइंग कर सकते हैं, लेकिन लेबर इशू काफी है, जिस ढंग से हमने देखा कि काफी जगह से लेबर माइग्रेशन हो चुके हैं, तो अभी तक तो जो पुरानी क्रॉप है उसकी कटिंग मार्केट में जाना यही इशू बाकी है, तो आई थिंक मानसून काफी बड़ा फैक्टर रहेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ लेबर इश्यू है जिसके चलते क्रॉप डिले है, एक बार रहेगी अगली क्रॉप के लिए, जिसके चलते हमें लगता है कि प्राइसेस में एक अच्छा उछाल आएगा जो करीबन 2800 का लेवल अगस्त तक आपको दिखा देगा। हाँ, इन बिटवीन जो कंजम्पशन इंडस्ट्री है लाइक होटल इंडस्ट्री, ये सब भी ना कोरोना वायरस से निकलना चालू हो जाएगी, अप्रैल मई मंथ के एंड तक चीजें स्ट्रीमलाइन होगी, जून में बाइंग डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और उसी का असर चलते हुए हमें लगता है कि डिमांड और अच्छा इंप्रूव होगी, और साथ में ये मानसून का भी अपडेट आ जाएगी, सोइंग की भी अटकलें लग जाएगी, तो अगस्त तक हमें लगता है 2800 का लेवल फिर से क्रॉस। नहीं सर, हम कैसे करते हैं फिजिकल में लेते हैं सर जी, मुझे अभी इसका कुछ आइडिया नहीं है एनसीडीएस का, इसलिए पूछ रहा हूं पोजीशन में कैसे लेना, कौन सी सीजन में लेना पड़ेगा, कौन से
तो मेरे हिसाब से सर फिजिकल के हिसाब से आपको 15-20 दिन महीना भर रुकना चाहिए। अभी एनसीडेक्स में भाव 2000 का है, हमें लगता है कि हो सकता है 100-150 रुपए की तेजी दिखा सकता है एक बार 2300 तक का लेवल, लेकिन आपको 1700-1800 के बीच में अगर मिलता है जब एनसीडेक्स पे भाव, तब आप फिजिकल में जमा करके चलिए, जो अगस्त तक आपको अच्छा भाव मिलेगा। बट ध्यान रखिए इस बार एसेंशियल कमोडिटी पे गवर्नमेंट की पैनी नजर है, बड़ा स्टॉक होल्ड नहीं करने देगी, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए काम कर। ओके सर थैंक यू सर जी, थैंक यू। और कोई क्वेरी? एल्स वी वाइंड अप दिस सेशन। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो लास्ट दो क्वेरीज हम और ले सकते हैं। अपना माइक अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। और कोई क्वेरी? आप अपना सवाल अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद। आपको अगर ये रिपोर्ट चाहिए तो आप अपने आरएम से कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको ये रिपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे जिसके अंदर जो जो आज डिस्कशन हुआ है इन डिटेल ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। हेलो सर जी। हाँ बोलिए ना सर। हेलो सर जी, ये अभी जो आपका जो मीटिंग हुई ना सर जी, उसका वीडियो मिल सकता है सर जी? मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग ये वीडियो YouTube पे अपलोड करके लिंक शेयर कर देंगे, तो आप YouTube पे देख सकते हैं। ओके ओके, शुक्रिया शुक्रिया। वही प्लीज एक बार अपलोड करना, मुझे टाइम लेट होगा इसलिए देखने। कोई इशू नहीं सर, कोई इशू। धन्यवाद। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अजय जी, लास्ट क्वेश्चन। अजय जी, हाँ बोलिए सर। आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन कि जैसे डिलीवरी का पीरियड 10 दिन से बढ़ाया है, 30 अप्रैल कर दिया है, हाँ। तो सर ट्रेडिंग जो मार्किंग का फेज है वो भी 10 दिन बढ़ा है कि वो 11 तारीख की है? अभी तक तो उसका अपडेट मैंने भी देखा नहीं है, बट मेरे हिसाब से अभी वो भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ा है, तो वो मैं चेक करके आपको आधे घंटे में मैं आपको अपडेट कर देता हूं। चलेगा। और सर ट्रेडिंग आज ट्रेडिंग भी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में 30 अप्रैल तक चलेगा कि वो 20 अप्रैल को कट ऑफ हो जाएगा? नहीं, 10 दिन बढ़ा दिया है, 30 अप्रैल तक चलेगा। Okay, so trading and delivery both are increased by 10 days. वो 10 दिन पूरा ही भरा है, तो वैसे तो जो ट्रेडिंग जो मैं बता रहा हूँ वो भी आपको 10 दिन एक्सटेंशन नौकरी मिला, जो स्कैटर पीरियड है वो भी आगे शिफ्ट होकर ही चलेंगे। Okay. बस मेरे ख्याल से मार्किंग एक इशू है जो आप मुझे रिकन्फर्म करेंगे। मार्किंग कैन बी आफ्टर पोस्ट 20 चलेगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अजय जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, वी वाइंड अप दिस सेशन। अगर आपकी इसके अलावा भी कुछ क्वेरीज है तो कभी भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बाय बाय।